एक नदी वो उस तरफ से आ रही है सामने, जो अलकनंदा है उस तरफ से है, और पिंडार नदी भी आपके सामने इस तरफ से आ रही है। बाकी वैसे जब कर्णप्रयाग से हम ऊपर गोपेश्वर होते हुए चमोली डिस्ट्रिक्ट के थ्रू इस रूट पर बढ़ रहे थे बद्रीनाथ धाम पे, विष्णुप्रयाग रूट पे, तो रास्ते में पड़ा था हमारा नंदप्रयाग, बट ऊपर ऊपर से देखा था, बोर्ड लगा था बाहर, बट अलग से जितनी देर में नंदप्रयाग आने का सोचे कि जहाँ संगम होता है वो चीज़ देखते कि किस जगह पर है, तब तक नंदप्रयाग हमारा क्रॉस हो चुका था, तो इस वजह से उसके बारे में थोड़ी डिटेल देना रह गया। बाकी इसी वीडियो में अलग से मैं कहीं से फुटेज अरेंज करके, नंदप्रयाग की वीडियो फुटेज अरेंज करके आपके साथ डिटेल शेयर कर दूँगा। डिटेल मेरे पास है कि नंदप्रयाग की रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अभी गाड़ी हमारी आ चुकी है, सही खुली रोड है पूरी, और यहाँ माना गांव की पार्किंग में आप देख सकते हो अच्छा खासा क्राउड है टूरिस्ट का। माना कि जहाँ से पार्किंग एंट्री है वहाँ से लेकर माना गांव तक तो लगभग ये पूरा जो 3 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा आपका पार्किंग से भरा हुआ है, तो इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के पहले और आखिरी गांव माना गांव उत्तराखंड का, जो ये एरिया है, और यहां पर आप देख सकते हो पूरा स्नो से ढका हुआ है, पूरा भी हाल ही में यहां पर स्नोफॉल हुई है, और यहां पर पानी ग्लेशियर का बिल्कुल चिल्ड है, बिल्कुल पैर मेरे बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। तो अगर शूज़ पहना है तो आप इसमें नहीं जा सकते, या तो वाटर प्रूफ शूज़ लीजिए या तो बूट शूज़ लीजिए, अदरवाइज़ जूता उतार के तो आप बिल्कुल मत जाना, पैर सुन्न हो जाएंगे क्योंकि इतना ठंडा पानी है। बाकी अगर हिम्मत है तो आप इसमें चल सकते हो, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आपको ठंडा लगेगा उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन पानी भाई साहब बहुत चिल्ड है, ये बर्फ़ से निकलते जाए सामने, बर्फ़ में से निकल रहा है, एक बार आपको चल के मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो बर्फ़ का ठंडा पानी बिल्कुल ग्लेशियर से निकलते हुए, इसको चाहते हो तो पीने के लिए आप भर सकते हो। अगर आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो माना गांव भी जरूर आइएगा, बद्रीनाथ धाम से सिर्फ जस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और माना गांव से आप सरस्वती नदी का फ्लो भी देख सकते हैं, माँ सरस्वती यहीं से निकलती हैं क्योंकि वो अलकनंदा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो माना गांव से निकलने पर सरस्वती रिवर आपकी अलकनंदा से केशवप्रयाग में मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम से पांडव जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तब सिर्फ जो युधिष्ठिर थे वही सिर्फ स्वशरीर स्वर्ग गए थे। और आप सामने एक घर पे बना हुआ है आप चित्र देख सकते हैं, इसमें बना हुआ है कि पांचों पांडव साथ में द्रौपदी भी बनी है, और साथ में यहाँ पर वो कुत्ता बना हुआ है जो इन लोगों के साथ स्वर्ग गया था, और वो जो आप सामने पोस्ट देख रहे हो वो है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, यहाँ माना गाँव में है, और यहीं पर रास्ता इधर से ये जाने का, और यहाँ रास्ते में जाने से पहले आप एक गेट देख रहे हैं, यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। और अभी जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये रास्ता सीधे सरस्वती पुल की तरफ जाएगा, और सरस्वती पुल से आगे केशवप्रयाग जहाँ पे सरस्वती नदी का मिलन होता है, संगम होता है अलकनंदा नदी से। यहाँ माड़ा गांव में बारिश होना भी धीरे धीरे चालू हो गया है, और अभी बारिश हो तो हो सकता है रात तक यहाँ पर स्नोफॉल भी चालू हो जाए, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:30 तो बज गया है, तो शाम को या रात तक हो सकता है यहाँ पे स्नोफॉल भी चालू हो जाए क्योंकि बारिश तो चालू हो चुकी है। बोलो एक बार ज़ोर से जय माँ सरस्वती। तो सामने आप देख रहे हैं सरस्वती रिवर, और सामने ये आप पोस्ट देख रहे हो, जूम करके दिखाता हूँ, ये है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान माड़ा गाँव की, और ये जैसे मैंने बताया सरस्वती रिवर जो यहीं अंदर यहाँ पीछे कहीं ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके आती हैं, और
ये जो आप देख रहे हो ये है केशव प्रयाग, यहाँ से निकली सरस्वती नदी और यहाँ से पीछे आ रही है अलकनंदा नदी। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ तक हमें समझ आ रहा है, अगर ये अलकनंदा नदी से आ रही है तो इसका मतलब सतोपंथ ग्लेशियर कहीं इसी तरफ है जहाँ से अलकनंदा नदी निकल के आ रही है, क्योंकि अलकनंदा का फ्लो इसी तरफ आ रहा है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये केशव प्रयाग है, यहीं पे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का ये संगम होता है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, ये रास्ता है पूरा सामने वो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान तक जाने के लिए, और यहाँ पे शॉप्स है। इस अगर आपको कुछ ख़रीदारी करनी है कैप्स वगैरह तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, स्वेटर शॉल वगैरह कुछ लेना है यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं सरस्वती नदी के, और सामने है माँ सरस्वती का ये दिव्य मंदिर। और जैसे मैं बता रहा था सरस्वती नदी ये देखिए यहाँ से कितनी फुल स्पीड में आ रही है, जो बहाव है सरस्वती नदी का यहाँ कितना तेज़ है, और ये यहाँ पीछे कहीं यहाँ ग्लेशियर से पीछे से कहीं से आती हैं, लेकिन बहाव बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ की नहाने की सुविधा नहीं है तो आप कोशिश मत कीजिएगा यहाँ कहीं जहाँ के आप नहाने का प्रयास करें, बाकी बहाव बहुत तेज़ है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए डेंजर भी हो सकता है। और बाकी देखो ये है सरस्वती माता का मंदिर, एक बार जाके दर्शन जरूर कीजिएगा, दर्शन भी कर सकते हैं। और सामने ही ये रहा रास्ता सामने वो वहाँ तक जाने का, भाई ये है रास्ता स्वर्ग रोहण मार्ग, जहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, वसुधारा झरना की तरफ होते गए थे, और सतोपंथ ग्लेशियर भी रास्ता यहीं से है। और जो वसुधारा वाटरफॉल है 5 किलोमीटर है। तो भाई ये रास्ता है स्वर्ग रोहण मार्ग, तो इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की तरफ सात शरीर गए थे, लेकिन जिसमें से युधिष्ठिर जी जो हैं वही सात शरीर स्वर्ग पहुंचे थे। अगर आप वसुधारा वाटरफॉल्स भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यहाँ से उसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अल्लू अर्जुन की आपने बद्रीनाथ मूवी देखी होगी, उस मूवी में आपने देखा होगा दिखाते हैं ये अल्लू अर्जुन जैसे बताता है कि वसुधारा वाटरफॉल मतलब वही है जो जिन्होंने मतलब अपने जिनमें कोई भी पाप नहीं किया होता, कोई गलत काम नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, वो धारा उसी के ऊपर गिरती है, अथवा किसी और के ऊपर नहीं गिरती। तो ऐसा मूवी में दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है असलियत में। जब आप इस रूट से आगे जाओगे, जो आप मेरे पीछे आप रूट देख रहे हो ये वाला, ये सीधे सामने आपका वसुधारा की तरफ जाता है, और आगे सतोपंथ ग्लेशियर भी आप जा सकते हो यहाँ से ट्रैक करके, जिसका सतोपंथ ग्लेशियर का भी अलग से ट्रैक होता है। और वहाँ आप देख सकते हो अलकनंदा नदी को वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए सतोपंथ ग्लेशियर से, और अलग और आपका जो वसुधारा वाटरफॉल्स है 5 किलोमीटर ट्रैक करके, ये वही मार्ग है जिसके थ्रू पांडव जो है स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन जिसमें सिर्फ युधिष्ठिर ही जो है शरीर के साथ पहुँचे थे, बाकी सब ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया था। तो यही वो रास्ता है। तो भाई अगर वसुधारा वाटरफॉल जाना चाहते हो जा सकते हो, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, वरना मैं वसुधारा वाटरफॉल जाके आपको एक बार ज़रूर दिखाता। और माणा गाँव ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है, इधर से मतलब ऋषिकेश से आते समय अगर आप उधर से बॉर्डर साइड से चाइना बॉर्डर से आते हो तो हिंदुस्तान का पहला गांव पड़ता है। और यहीं पर सामने बोर्ड लगा है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी व पहली दुकान। अब अगर आप इधर चाइना की साइड से आएंगे तो ये पहली दुकान है, जैसा मैंने बताया आप इधर बद्रीनाथ साइड से आएंगे तो ये हमारे इंडिया की आखिरी दुकान है। तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से चाय वगैरह पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर खाने पीने लेने चाहे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो मेन है जो मेन असली दुकान है हिंदुस्तान की, जो बॉर्डर यहाँ माणा गाँव की सबसे आखिरी या सबसे पहली दुकान कह लें, वो इससे भी आगे हो जब वसुधारा जाने लगते हैं वो उस टाइम पड़ती है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग यहाँ से उतनी दूर नहीं जा पाते हैं इस वजह से यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए। बाकी एक दुकान और भी आगे जब वसुधारा आप जाने लगेंगे उस रास्ते में पड़ेगी, असलियत में वो सबसे पहली दुकानें हैं यहाँ बॉर्डर सीमा की। और बाकी यहाँ से आप एक बार ये नज़ारे देख सकते हैं, क्या अद्भुत नज़ारे यहाँ पे, पूरा ऊपर ग्लेशियर है ये देखो, यहाँ तो पूरी बर्फ़ पिघल गई है और यहाँ से भी धीरे धीरे पिघलना चालू है। तो यहाँ खड़े होकर आप चाहो तो फ़ोटो वगैरह आप अपनी निकाल सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ महर्षि वेदव्यास की वेदव्यास गुफा, चलते हैं आपको भी दर्शन कराते हैं वेदव्यास गुफा के, और रास्ता भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है रास्ता वेदव्यास गुफा में जाने का, आगे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा थकान हो रही है, और आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा संभल संभल के आइएगा। जगह जगह इस तरीके से मार्किंग है
ब्यास गुफा 500 मीटर भीम पुल पड़ेगा आगे की तरफ, वो भी आपको दिखा दिया हमने। और ये है, ये देखो यहाँ मार्किंग लगी है, ब्यास गुफा 300 मीटर पे है। और भीम पुल ये आपका जहाँ सरस्वती माता का मंदिर है उसी के साथ में बना हुआ है। ये रास्ता है ब्यास गुफा का, और रास्ते में पानी पीने की भी सुविधा उपलब्ध है। चलिए आइए चलते हैं इधर से, काफ़ी चढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पहाड़ों में देखो इतने छोटे छोटे घर होते हैं पूरा इस तरीके से, तो इसी में लोग रहते हैं भाई। सर्दी गर्मी में काफ़ी एडजस्ट करके पहाड़ पे लोगों को रहना पड़ता है। और इस तरीके से आप चाहते हैं तो ये पिट्ठू भी आप ले सकते हैं। अभी चलते हैं हम इधर अपनी मंजिल ब्यास गुफा की तरफ। और सामने की तरफ ही है, बस पहुंचने वाले हैं। तो ये आ गई सामने श्री वेद व्यास गुफा, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। सत्यम परम धीमहि। और देखो यहाँ पे महर्षि वेद व्यास के इस तरीके से ये स्केचेस बने हुए हैं। बीच में महर्षि वेद व्यास है, बाकी सब उनके जो असिस्टेंट हैं सब वो जो उनके शिष्य जो वैशाम्पयन सुमंतु मुनि पैल और जैमिनी। और यहाँ पे भी देखो आप शॉप बनी है, भारत की प्रथम चाय की दुकान मणिभद्र माणा व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ, भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो फाइनली हमें अपनी मंजिल श्री वेद व्यास गुफा पहुँच चुके हैं। गुफा में अंदर दर्शन करने जाना है तो यहाँ पे जूते चप्पल यहीं पर उतार के जाइएगा, हमने भी यहीं पर उतार दिए अपने जूते चप्पल। चलिए अंदर चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अंदर महर्षि वेद व्यास की गुफा के पास। तो ये वो वेद व्यास, ये वो तपोस्थल यहाँ पे बना रखी है वेद व्यास की, जहाँ पे बैठ के उन्होंने महाभारत काव्य की रचना करी थी। और यहाँ पे बैठ के आप फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। व्यास गुफा से दर्शन करके हम आ चुके हैं। और जब आप व्यास गुफा दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ आप एक तो व्यास गुफा के दर्शन कर सकते हैं, साथ में शिला लेख के भी दर्शन कर सकते हैं। शिला लेख का बताते तो हमें एक तो अंदर वहाँ फोटो खींचना मना है, नहीं तो फोटो ले नहीं पाया। वैसे हमने दर्शन करे काफी अच्छे से हो गए। तो जहाँ शिला लेख रखा हुआ है बताया जा रहा है पुजारियों के द्वारा, ये वही शिलालेख है जहाँ पर भागवत का पहला श्लोक लिखा गया था, उसी शिलालेख के ऊपर। तो हमने जब शिलालेख देखा तो उसके ऊपर हमें भागवत का पहला श्लोक लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया। व्यास गुफा में जब दर्शन करने जाएंगे तो हम महर्षि वेद व्यास की आप प्रतिमा के दर्शन कर सकते, साथ में जो उनके शिष्य थे उनके भी आप दर्शन आप कर सकते हैं। और व्यास गुफा है वही जगह यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत बताई थी गणेश जी को, और गणेश जी ने नीचे जो गणेश गुफा है वहाँ बैठकर महाभारत को लिखा। पहुंच चुके हैं श्री गणेश गुफा, और ये वही स्थल है जहां पर गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी, जब वेद व्यास ने उन्हें अपनी वेद गुफा से उन्हें महाभारत बताई थी, उन्होंने इसी जगह बैठ के महाभारत लिखी थी। तो फोटोग्राफी वगैरह यहाँ अलाउ नहीं है। गणेश गुफा से भी दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। जैसे आप गणेश गुफा दर्शन करने जाएंगे आप राइट साइड में आप दर्शन कर सकते हैं गणेश भगवान के मंदिर के, और लेफ्ट साइड में गणेश गुफा है मुख्य गणेश गुफा। और अंदर जैसे आप अंदर एंटर करोगे अंदर कोई भी लाइट नहीं है, बस एक छोटा सा मतलब चबूतरा सा बना है, और वो वही चबूतरा है जहाँ पे बैठ के गणेश जी ने महाकाव्य महाभारत की महाभारत को लिखा था, जो उन्हें महर्षि वेद व्यास ने बताया था। तो दर्शन करके आ चुके हैं और अभी ले चलते हैं आपको दूसरी साइड। और अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखना जय बद्री विशाल की। फोर्थ डे की जर्नी को हम चालू करेंगे कल सुबह बद्रीनाथ धाम से भगवान बद्री के दर्शन करके। अब उनके वैकुंठ धाम में हम आ चुके हैं तो उनके दर्शन के अपने यहाँ से जाएंगे नहीं। तो मुलाकात होगी अब आपसे कल सीधे सुबह मॉर्निंग में बद्रीनाथ धाम में
भगवान बद्री के दिव्य दर्शन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं, बाय बाय।